Hi then. We are continuing with our next topic of economics. I'm discussing international trade. This is a topic जो कि मतलब पिछले बार के अगर 2023 के सिलेबस से देखेंगे तो कुछ पोर्शंस को ट्रंकेट कर दिया गया है, कुछ पोर्शंस को हटा दिया गया है। आई डोंट थिंक उससे बहुत ज्यादा आपको चैलेंज आता है एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। मुझे लगता है वो जानना अभी भी उतना ही जरूरी है वो चीजें, लेकिन एग्जाम में टेस्टेबल नहीं रहेंगी तो उस वजह से मतलब क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने अभी तक के कुछ खास नहीं पढ़ा है, या आपको जो प्री रिक्विजिट पोर्शन था उसको उसकी नॉलेज आपको नहीं है, और शायद बुक से अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, बट एज फार एज पॉसिबल आई स्टिक टू व्हाट इज देयर इन द सिलेबस। ठीक है, फॉर जस्ट फॉर वेरी बेसिक इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या है? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है जी, एज सच एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स किस चीज से डिसाइड होते हैं? हमने एक फैक्टर पढ़ लिया, करेंसी से डिसाइड होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एंड दैट इज द नेचुरल कैपेबिलिटीज। ये वाला पार्ट जो है ये एक बार मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, एज सच अब कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी लेट अस डिस्कस। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसके बेनिफिट्स हैं या ये बुरी चीज है, मतलब इज इट बेनिफिशियल टू हैव इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिव और इज इट नॉट बेनिफिशियल फॉर एन इकोनॉमी टू हैव इंटरनेशनल ट्रेड एक्टिव। सुनना, 2-5 मिनट का डिस्कशन वेवर्ड लग सकता है, उसके बाद जब LOS के अकॉर्डिंग आऊंगा तो सब कुछ परफेक्ट लगने लगेगा। एज सच अगर आप देखोगे ना तो ऑफ लेट जो नरेटिव दिया जाता है, थिंक ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सुनोगे तो दे विल से समथिंग ऑन दीज लाइंस, दे विल से मेक इन इंडिया, दे विल यू 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 मूव टू US एंड लिसन टू द पॉलिटिशियंस आउट देयर, दे विल से लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कुल मिला के वो बोल क्या रहे हैं? वो बोल रहे हैं मैन्युफैक्चर करो खुद के देश में, बाहर से क्यों इंपोर्ट करना है। इंडिया में चाइना को गालियां देंगे, US में चाइना को गालियां देंगे, बोलेंगे नहीं नहीं हमको अपने इंडिया में, हमको अपने US में ही काम कराना चाहिए। वो क्यों करना चाह रहे हैं सब? वो प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या फिर रूलिंग पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना चाह रही है, अपनी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करना चाह रही है, अपने मतलब इन जनरल अपॉर्चुनिटीज और धंधा अपने देश में सीमित करना चाह रहे हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? दिस लीड्स टू लिथार्जी या दिस इज मोर इनएफिशियंट। सर ये बात नहीं समझ आई, दोबारा बोलो। एक बार सोच के देखो, मान लो आप एक स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, आपके स्कूल में अगर कुछ ऐसा सिस्टम आ जाए कि हाँ जी हम जब भी कोई कंपटीशन में अपने स्टूडेंट्स को भेजेंगे, वी डू नॉट वांट अदर स्कूल स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इट, या फिर लेट्स से जो मेरे स्कूल में कंपटीशन हो रहा है या बोर्ड एग्जाम्स में जो कंपटीशन हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब के ही बच्चे रहने चाहिए या हरियाणा के ही बच्चे रहने चाहिए अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो, या फिर और बेटर एग्जाम्पल लेते हैं, सोच के देखो अगर दिल्ली में जैसे कुछ कॉलेजेस हैं बहुत बड़े कॉमर्स के, ठीक है, दीज आर द हाई टिकेट प्रोबली एशियाज मोस्ट ब्रांडेड कॉलेज, पढ़ाई वढ़ाई वैसी होती है ना जैसे आप लोगों के अपने होम टाउन में होती होगी, मोर और लेस पढ़ाई का वही लेवल रहता है, कुछ पढ़ाई में डिफरेंट नहीं है, बट यस वहाँ पे स्टूडेंट्स का जो कट ऑफ है वो 90, 95, 99 ऐसा रहता है, तो जो स्टूडेंट्स आते हैं वो शायद थोड़े ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं अपने पढ़ाई के बारे में, और अल्टीमेटली आपको दिखता है कि वहाँ के एलुमनाई जो है वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं, एंड देन बिकॉज द एलुमनाई एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ बिग थिंग्स इन देयर लाइफ, तो नाम उनके खुद के कॉलेज का हो जाता है कि हाँ देखो XYZ कॉलेज से पास आउट मिस्टर ABC ने इतना बड़ा काम किया, तो कॉलेज का ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। सोच के देखो दिल्ली में कोई कॉलेज है, कल उठा के बोल दे कि यार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली एड्स को आने देंगे, यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट जैसे अभी के लिए आम आदमी पार्टी की, उन्होंने कहा हाँ जी हम अपने स्टेट में बाहर के बच्चे अलाउ नहीं करेंगे आना। एज सच दिल्ली के पेरेंट्स हैं, दिल्ली के स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे? हाँ भाई बहुत सही है, हमारा कॉलेज है, बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यों आए, हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। ठीक है, मेक सेंस, लेकिन एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी है, अगर सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट्स वहां पे पढ़ेंगे तो शायद वो इंडिया के मोस्ट इंटेलिजेंट या वर्ल्ड के मोस्ट इंटेलिजेंट और या फिर वर्ल्ड के मोस्ट डिजर्विंग स्टूडेंट्स हो नहीं,
तो आपने क्या किया, यू बिकेम प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स योर ओन पीपल, बट इन लियू ऑफ इट व्हाट यू गेव अवे वाज एफिशिएंसी, व्हाट यू गेव अवे वाज एक्सेलेंस। सेम चीज ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी लागू होती है। आप क्या कर सकते हो, आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि हाँ जी, आप अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट होने वाले सामान को किसी ना किसी तरीके से डिसवेड करो। डिसवेड करो मतलब कोशिश करो कि वो लोग इंडिया में ना सप्लाई करें। कैसे डिसवेड करते होंगे, अभी के लिए मतलब एक बार जब प्रॉपर डिस्कशन चालू करेंगे तब वहां से देख लेंगे। अभी के लिए मुझे अपने थॉट प्रोसेस से जो कॉमन पार्लेंस, जो कॉमन सेंस में समझ आता है वो बताओ। लेट्स से इंडिया में बहुत ज्यादा टॉयज आते हैं चाइना से, अब मैं इंडिया की टॉय की इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट करूं, मुझे ये बताओ। इंडियन टॉय इंडस्ट्री को कैसे प्रोटेक्ट करूं, सर बैन लगा दो उनके ऊपर, उनके ऊपर बैन लगा दो। अच्छा ये हो सकता है ना कि बैन लगा दो, बोल दो इंडिया से बाहर, मतलब इंडिया में कोई भी कंपनी बाहर से टॉयज इंपोर्ट नहीं कर सकती। यस दैट इज वन पॉसिबल थिंग। ओके व्हाट एल्स, हाँ सर उन पे टैक्स लगा दो, उन पे टैक्स लगा दो, वो जो टैक्स लगा उसको बोल दिया इंपोर्ट ड्यूटी। ओके उन पे टैक्स लगा दो, और क्या कर सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, एक कैंडिडेट ने बोला अपनी खुद की कंपनी को इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दो, अपनी खुद की कंपनी को इंसेंटिव देना स्टार्ट कर दो, उनको कुछ ऐसा करो कि उनको व्हाट डू यू कॉल, उनकी प्रोडक्शन सस्ते में होने लग जाए। और क्या किया जा सकता है, और क्या किया जा सकता है। चलो ठीक है, अभी जितने आंसर्स दिए हैं ये भी इनफ है, बट मुझे बताओ ये सारे के सारे जो आंसर्स आपने दिए हैं इसका इफेक्ट क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे। इनएफिशिएंसी प्रमोट होगी या नहीं होगी। सर इनएफिशिएंसी कैसी, इनएफिशिएंसी ऐसे दैट आपने दूसरे के सामान को इंडिया में महंगा कर दिया। चाइना जब ये देखेगा तो चुपचाप बैठेगा, चाइना जब ये देखेगा तो चुपचाप बैठेगा, नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा वो आपके सामान पे इंपोर्ट ड्यूटीज लगाएगा वहां पे बहुत मोटी। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताना। चाइना एक और चीज कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि जब वो देखे कि यार इंडिया में आके इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, तो चाइना की गवर्नमेंट अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बोले कि मैं तुझे इतना इंसेंटिव देता हूँ कि वहां की इंपोर्ट ड्यूटी देने के बाद भी तेरा प्रोडक्ट सस्ते में चल जाए। ठीक है इट्स अ लॉस मेकिंग गेम, बट आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट्स से इंडिया में टॉयज बनते हैं 10 रुपए के, चाइना वाले इंडिया में अगर बेच दें बिना इंपोर्ट ड्यूटी के तो 5 रुपए के बेच देते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला हम 5 रुपए की ड्यूटी लगा देते हैं तुम पे, तो इंडियन टॉय भी 10 का, तुम्हारा टॉय भी 10 का, चाइनीज टॉय भी 10 का। चाइनीज गवर्नमेंट क्या बोल सकती है, जितनी इंडियन गवर्नमेंट जितनी ड्यूटी लगाएगी उसका 50% हम बियर कर लेंगे, तो चाइनीज टॉय पड़ जाएगा 7.5 का, ये फिर से डिसबैलेंस है। और ये तो नेवर एंडिंग वॉर हो गया दो कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के बीच में, प्राइस वॉर हो गया ना एक तरीके से। तो ये तो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं इसको, इलॉजिकल चीज है, बट डज दिस हैपन, दिस डेफिनेटली हैपन्स, ऑल दिस इज ऑलवेज इन टू प्ले, ऑल दिस इज ऑलवेज इन टू प्ले। ठीक है इनमें से बहुत सारी चीजें हैं जो रेगुलर यूजेज में आती आती हैं। ठीक है ये चैप्टर का ना बहुत अच्छा सेंस चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल ईयर में पहले कोर्स में इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह हुआ करता था, वो पढ़ के बहुत अच्छा सेंस समझ आता था कि किस तरीके से एक दूसरी मतलब कंट्रीज एक दूसरे की प्राइसिंग को मैप करते हैं और किस तरीके से काम होता है। आपके सिलेबस में उतना ज्यादा व्हाट डू यू कॉल निटिग्रिटीज में कॉस्टिंग वाइज जाने का सिस्टम नहीं है, बट आपके सिलेबस में जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंट्रीगिंग है। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं रेगुलर वाला। ठीक है दिस वॉज अबाउट द बेसिक्स, हम आगे मूव करते हैं। वी विल बी मूविंग अकॉर्डिंग टू द एलओएस। The very first LOS is benefits of international trade and cost of international trade. Yeah, I'm discussing benefits and cost of international trade. Very small and very easy manageable topic. आइए देखते हैं ये। सबसे पहले देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड।
पॉइंट नंबर वन इज लोअर प्राइजेस। अब सुनना, यहीं पर ही नेचुरल कैपेबिलिटीज की बात कर लेता हूं। जैसे आप सोच के देखिए, इंडिया में और चाइना में अगर आप कंपेयर करें, इन दोनों इकोनॉमीज को कंपेयर करें, तो चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ वर्ल्ड। सिमिलरली इंडिया इज द सर्विस सेंटर ऑफ वर्ल्ड। मतलब आईटी, बीपीओ सर्विसेज, केपीओ सर्विसेज, इसके लिए इंडिया इज द प्लेस वेयर वर्ल्ड लुक्स एट। रीजन क्या है? चाइना में गवर्नमेंट्स ने आज से 30 40 साल 50 साल पहले से मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज डेवलप स्टार्ट करना स्टार्ट हुई, और इतनी ज्यादा ऑटोमेशन और सारी चीजें हुई कि वहां पे जो एडवांटेज है प्राइस का, वो वर्ल्ड में कहीं पे भी मैच नहीं होता। सिमिलरली अगर आप इंडियन कंपनीज, इंडियन कंट्री के कंटेक्स में देखेंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं किया गया, ठीक है। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, यहाँ की इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट्स ने बाहर की कंपनीज पे थोड़ी सी प्रोहिबिटिव प्रैक्टिसेस लगाई। बट साइमल्टेनियसली व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि इंडियन मिडिल क्लास न्यू दैट द ओनली चांस देयर नेक्स्ट जनरेशन विल हैव फॉर अ गुड लाइफ वुड बी इन केस दे आर वेरी एजुकेटेड। तो आप देखेंगे तो वर्ल्ड की हाईएस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन इंडिया में, वी आर प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटेड फोक्स एज वेल। उस वजह से हुआ ये कि जितना यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दुबई, यहाँ पे जो भी काम है, वहां पे जिस भी प्राइस में किया जा सकता है, इससे बहुत कम प्राइसेस में इंडिया में किया जा सकता है, बिकॉज परचेजिंग पावर पैरिटी, या फिर अगर इन्फ्लेशन और ये सारी की सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे, तो इंडिया में द लेबर इज अवेलेबल एट अ मच चीपर कॉस्ट, ठीक है ना। आप यूएस में अगर एक इंजीनियर, फ्रेशर इंजीनियर को पैकेज देने वाले हो 150,000 डॉलर्स का, या लेट्स से मतलब एक नॉर्मल कॉलेज से भी ले लेते हैं, लेट्स से 90,000 USD का। अब इन्फोसिस के लिए एक बंदा यूएस में हायर होगा, वो 90,000 USD चार्ज करेंगे, उसको सैलरी देंगे। सिमिलरली इंडिया से उनको एक इंजीनियर 4 से 5 लाख रुपए मिल जाएगा, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ देखो देखो ऐसा ही बढ़िया है, बट मैं बोल रहा हूँ एट द एंड ऑफ द डे इन्फी की बैलेंस शीट, सॉरी इन्फी की बॉटम लाइन के लिए तो बहुत बढ़िया है ना ये। इन्फोसिस को सेम लेबर सस्ते पैसे में मिल रही है, ये क्या हुआ, 90,000 × 80, दिस विल ट्रांसलेट टू अराउंड 70 75 लाख रुपए, ठीक है। ठीक है, वहां के हिसाब से वहां की कॉस्ट और सारी की सारी चीजों को गिनोगे तो दिस गाय इज नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी इधर, ही इज ऑल्सो जस्ट गेटिंग डिसेंट सैलरी। बट आप अगर कंपेयर करो इन्फी के लिए, स्पेशली इन टूडेज एरा की ज्यादातर काम आपके बेस लोकेशन ऑफिस में बैठ के हो जाता है, तो यार इंडिया में बैठ के काम क्यों नहीं करना, बैंगलोर और पुणे से काम करा लो, न्यूयॉर्क और व्हाट डू यू कॉल शिकागो से क्यों काम कराना, ठीक है ना। द नेक्स्ट पीस इज रिलेटेड टू दिस ओनली, इट्स ए स्पेशलाइजेशन एंड कंपेरेटिव एडवांटेज। स्पेशलाइजेशन ऑब्लिक कंपेरेटिव एडवांटेज, यही सेम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पीस। एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, ये पीस ना पहले कोर्स में था बहुत ज्यादा डिटेल में, अब इसे हटा दिया गया है। ऐसा है कि अगर आप इंडियन कंपनी, इंडियन वर्सेस यूएस, ये दो इकोनॉमीज को अगर आप ले, अगर इंडिया में मान लीजिए आपको जो कंपेरेटिव एडवांटेज आ रहा है ओवर द वर्ल्ड, वो आ रहा है आईटी सर्विसेज में, ठीक है, और जो डिसएडवांटेज आ रहा है वो आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो होगा क्या कि मैन्युफैक्चरिंग के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो धीरे धीरे आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करने में घुस जाएंगे। सर ये बात समझ नहीं आई, जैसे जैसे लोग पढ़ाई करके अंदर आने वाले, पीपल विल रियलाइज कि यार अगर हम मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जाते हैं, अगर हम ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग ऐसी चीजें सीख भी लेते हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं है, जॉब्स हैं बहुत ज्यादा आईटी सर्विसेज की, ठीक है ना। तो इससे अच्छा हमको कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग करनी चाहिए रादर देन सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन या ऐसा कुछ, सीखने से बहुत बेटर होगा इसमें जाए। तो लॉन्ग टर्म में व्हाट विल हैपन इज दैट कंट्री के पास जिस भी डोमेन में एक्सपर्टीज होगी और जहां पे भी उसकी पोजीशन एडवांटेजियस होगी ओवर अदर कंट्रीज, वहां पे उनके रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली ज्यादा अलॉट होते जाएंगे।
जैसे ही इंडिया में ये पता चलेगा कि आईटी सर्विसेज अच्छा कर रही है, तो रिसोर्सेज के हिसाब से सारे एम्प्लॉयज यहाँ शिफ्ट हो गए। जो दूसरी कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो धंधा करने की सोच रही होंगी, वो लोग अपनी एनर्जी भी इसी में डालेंगे, तो एंटरप्रेन्योर्स भी यहीं पर ही आ रहे हैं। गवर्नमेंट बोलेगी कि यार कैपिटल भी यहीं पर ही डालते हैं, तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म में ये होगा कि आईटी में ही सारे के सारे लोग घुसने लग जाएंगे, एंड देन जिस फील्ड में एडवांटेजेस हैं उसको और ज्यादा एडवांटेजियस बनाने लग जाएंगे। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी प्रोडक्शन राइज कर जाएगी, तो यू विल एंजॉय इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके पास इंटरनेशनल ट्रेड की कैपेबिलिटीज हैं, देर इज सम सॉर्ट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन एज वेल। इसका क्या इम्पैक्ट है देखना। अब लेट्स से आई टॉक अबाउट द इरा ऑफ प्री 1992। अगर आप प्री 1992 के इरा की बात करें, और लेट्स से आई एम इन दिस इंडस्ट्री, मतलब आई बिलोंग टू दिस फैमिली जिनका ओवरऑल बिजनेस ही पूरी पूरा फुटवेयर में रहा है, तो मैं आपको इसका बहुत लाइव एग्जांपल बता पाऊंगा। सुनना, 1992 से पहले इंडिया में स्पोर्ट्स शूज इंपोर्ट करना बैन था, इंपोर्ट वॉज बैन। ऐसा कहा जाता है कि कुछ स्पोर्ट्स शू, मतलब कुछ ऐसी फैमिलीज थी जिनके पास इंडिया में स्पोर्ट्स शूज के बहुत बड़े बिजनेसेस थे, वो कहीं ना कहीं कॉल्यूड करती थी गवर्नमेंट के साथ, और ये मेक श्योर करती थी कि इंडिया में ये सारी चीजें आई ना पाए। तो देर वॉज नो एडिडास, नो प्यूमा, नो नाइकी इन दिस कंट्री, ठीक है, रीबॉक, देर वॉज नो सच थिंग्स इन दिस कंट्री, ठीक है। उस वजह से चलता क्या था इंडिया में, इंडिया हैड देयर ओन ब्रांड्स, एक्शन, देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड खादिम, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, एक्शन, खादिम, ये जूते चलते थे इंडिया में, लखानी, ठीक है ना। बट अगेन अगर आप वैरायटी देखेंगे इनकी, या फिर इनकी प्राइसिंग देखेंगे, सो देयर क्वालिटी वॉज लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, देयर क्वालिटी वॉज लाइक एट 6, बट देयर प्राइसिंग वॉज स्काई हाई, दे वुड चार्ज एज मच प्रीमियम एज पॉसिबल। क्यों? बिकॉज बहुत ज्यादा ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। विद द एडवेंट ऑफ दीज प्लेयर्स, आई एम प्रिटी श्योर दैट आप में से बहुत कम लोगों ने इन ब्रांड्स को यूज भी किया होगा कभी, ठीक है ना। सो हेल्दी कॉम्पिटिशन मीनिंग मोर वेराइटी, अवेलेबल टू कस्टमर, हाँ सही बात है। कैंडिडेट कह रहे हैं कि एक्शन यूज किया स्कूल शूज में, दे बिकेम वेरी डोमिनेंट इन स्कूल शूज, दैट वाज द टाइम दैट दे बिकेम वेरी डोमिनेंट इन स्कूल शूज। स्कूल शूज इज प्रोबेबली, मतलब दे आर प्रोबेबली द बिगेस्ट प्लेयर इन स्कूल शूज इन इंडियन मार्केट, मोर सो बिकॉज उसमें कोई फॉरेन प्लेयर्स भी नहीं है ना। देखना, ऑल दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑफ जीडीपी राइज, जीडीपी राइज होगा, रियल जीडीपी राइज होगा, इनफैक्ट राइज इन रियल जीडीपी टर्म्स। क्यों? बिकॉज आपका आउटपुट ऊपर जा रहा है, आउटपुट इज इंक्रीजिंग। इसका इंपैक्ट क्या होगा? रियल जीडीपी इंक्रीजिंग, इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है? इनोवेशन बढ़ रही है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, या दिस इज इट, दिस वॉज अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड। अब इश्यूज इन्वॉल्व विद ट्रेड, या फिर कॉस्ट ऑफ ट्रेड, इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीजेस, द बेनिफिट्स ऑफ, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करो, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात करो, देखना अगर हम आईटी इंडस्ट्री मान लें, अगर आईटी इंडस्ट्री बूम कर रही है,
तो यहां के एक्सपोर्ट्स राइज ही होते जाएंगे, ठीक है। अब इसके साइमल्टेनियसली आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, ये बहुत अच्छा नहीं कर रही थी, धीरे धीरे रिसोर्सेस ट्रांसफर हो गए, नॉट डूइंग वेल, नॉट डूइंग वेल। रिसोर्सेस ट्रांसफर्ड, अब देखना जो स्किल्ड लेबर होगी मैन्युफैक्चरिंग की, मान लो मुझे सिर्फ कपड़ा बनाने के लिए आता है, या तो मान लो मैं सिर्फ एक फुटवेयर फैक्ट्री में कारीगर हूं, मैं वही काम कर सकता हूं, तो स्किल्ड लेबर क्या हो जाएगी? अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे? रिसोर्सेस ट्रांसफर होने के, पैसे वहां लगने लग गए, गवर्नमेंट इंसेंटिव वहां जाने लग गए, तो स्किल्ड लेबर हो जाएगी अनएम्प्लॉयड। और इसका दूसरा साइड क्या होगा? इस इंडस्ट्री में इंपोर्ट्स इंक्रीज होने लग जाएंगे। भाई जूते कपड़े भी तो पहने गए ना इंसान, अगर इंडियन चीजें बहुत अच्छी नहीं आ रही हैं, तो इस डोमेन में इंपोर्ट्स राइज होने लग जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा? लॉन्ग टर्म में द इम्पैक्ट विल बी एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज डूइंग वेल। एट द एक्सपेंस ऑफ, एट द एक्सपेंस या एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज नॉट डूइंग वेल, मतलब जहां पे आपकी इंट्रेंसिक कैपेबिलिटीज नहीं है, वो तो और ही बुरा करने लग जाएंगे। ठीक है जी, इसके नाम की बुक्स देखना, तो और भी कुछ है क्या? देखना ये सेकंड इज अनएम्प्लॉयमेंट में राइज हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस, ये कहां से आ रहा है? ये सेकंड वाला पॉइंट, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट इज दिस वन, यानी ये तो फर्स्ट में ही कवर हो गया, ठीक है। ये दो चीजें आप लिख सकते हैं बस, इतना कॉस्ट ऑफ ट्रेड में इतना इनफ है, और कुछ भी खास नहीं है इसमें। आगे मूव करते हैं, द नेक्स्ट पीस इज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये इसमें जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा समय लेगा, इट इज कॉग्निटिवली चैलेंजिंग, समझने में दिक्कत आती है, मुश्किल आती है, ध्यान दीजिएगा। अगले वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं, अभी तक के सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर वन डिस्कस किया था। पॉइंट वन ए वॉज बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, पॉइंट वन बी वॉज कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। सुनना, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन टाइप्स क्या है इसके? द फर्स्ट टाइप इज, आपके बुक्स कह रही हैं टैरिफ्स, जैसे ही आप वर्ड पढ़ो टैरिफ्स, आपको समझ में आना चाहिए इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज इंडिया, दिस इज यूएसए, दिस इज चाइना, ठीक है। यहां से जैसे ही कोई चीज इंडिया में आई, तो आपने उसके ऊपर, लेट्स से आई है ₹100 की, आपने यहाँ की कॉस्ट लगाई 100, इंपोर्ट ड्यूटी लेट्स से 20%, आपने 20 लगाई, 120 इज द कॉस्ट टू इंपोर्टर, ठीक है जी।
सेकेंड थिंग कैन बी कोटास। दिस इज द लिमिट ऑन क्वांटिटी। ऑफ इम्पोर्ट्स। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है मेरे हिसाब से। ये क्या हो गया, बैन में आप बोल रहे थे, बैन इज समथिंग जो कि ऐसे यहाँ पे डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं। इन द केस ऑफ बैन यू आर सेइंग इम्पोर्ट नॉट अलाउड, इम्पोर्ट्स नॉट अलाउड। कोटा क्या हो गया, कोटा एक तरीके से थोड़ा सा इजियर या थोड़ा सा व्हाट यू कॉल लेस प्रोहिबिटिव वर्जन है बैन का। यहां पे क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट अलाउड ओनली टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट चीज क्या होगी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है ये तो क्या है। यहां पे क्या करते हो आप, यहां पे यू मतलब गवर्नमेंट इंसेंटिवाइजेस दी एक्सपोर्टर, मतलब गवर्नमेंट जो है मतलब लेट्स से टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज इक्वल टू 10। ठीक है ना, गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है 2 रुपए की, तो यहां क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू एक्सपोर्टर एज सच तो 10 रुपए की बन रही थी, बट अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको कितने की चीज पड़ रही है, तो आपको चीज पड़ रही है 8 रुपए की। ठीक है जी, जस्ट गिव मी अ सेक, लेट मी सी और भी कुछ है क्या, देखना जिस तरीके से एक्सपोर्ट सब्सिडी की बात हो रही थी, इसी तरीके से एक और कंपोनेंट है एक्सपोर्ट को जो इंपैक्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट। यहां पे क्या बोल रहे हो आप कि लेट्स से इंडियन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स क्वांटिटी ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड टू यूएस टू अवॉइड यूएस कोटास ऑब्लिक टेरिफ्स। देखना यहां क्या बोल रहे हैं, इंपोर्ट्स एक एक करके चलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी में क्या कर रहे थे, इंपोर्ट को महंगा कर दिया। एक्सपोर्ट सब्सिडी में क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट को सस्ता कर दिया। प्रैक्टिकली देखना क्या बोलना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड है क्या चीज, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, और नेट नेट में आपको ट्रेड क्या मिल रहा है, एक्स माइनस एम या फिर एनएक्स का, नेट एक्सपोर्ट्स का, है ना। आप क्या चाहोगे, अगर आप इंडिया हो तो आप क्या चाहोगे, आपके एक्सपोर्ट्स राइज करें, आपके इंपोर्ट्स फॉल करें। इंपोर्ट्स फॉल करेंगे तो क्या होगा, खुद की अपने खुद की कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी कंट्री में प्रोडक्शन होगा और उसी का कंजम्पशन हो जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है। एक्सपोर्ट्स राइज होंगे तो क्या होगा, इंडिया में अगेन मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो बाहर भेजी जाएगी, फॉरेक्स भी आएगा और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है, तो दोनों तरफ से बेटर क्या है, एक्सपोर्ट्स बढ़े इंपोर्ट्स घटे। इंपोर्ट ड्यूटी से क्या मिल रहा है आपको, इससे इंपोर्ट्स आर डिमिनिशिंग। कोटा से क्या मिल रहा है आपको, इंपोर्ट्स आर डिमिनिशिंग। अब देखना एक्सपोर्ट सब्सिडी से क्या मिल रहा है, एक्सपोर्ट्स आर राइजिंग, क्योंकि मतलब आपका खुद का जो प्रोडक्ट है वो सस्ता हो गया,
यस नो, यहां क्या बोल रहे हैं देखना, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट, यहां ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तुम इंडिया से एक्सपोर्ट्स करते जाओगे तो कल जिस कंट्री में एक्सपोर्ट, मतलब कल जिस कंट्री में इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट मतलब यूएस के लिए इंपोर्ट हो गया, आपने इंडिया से माल उठा के भेजा यूएस में, यूएस में क्या होगा कि द कंट्री ओवर देयर विल नॉट लाइक द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. सो व्हाट दे विल स्टार्ट डूइंग इज कि वो अपनी कंट्री में इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ और कोटा लगा देंगे, वो यहां पे टैरिफ या कोटा लगा देंगे, वो ना लग जाए इसकी वजह से तुम ही थोड़ा सा रुक रुक के काम कर लो. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हम खुद ही आपकी क्वांटिटी को कंट्रोल कर ले रहे हैं. आपको एक तरीके से बोला जा रहा है कि आप एक्सपोर्ट्स कम करिए, आप एक्सपोर्ट्स कम करिए, बट ये क्यों बोला जा रहा है ये समझने में, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्वांटिटी कम क्यों करवा रहे हैं, सो दैट आप क्वांटिटी कम करें, जैसे कि कल आपके ऊपर कोटा या टैरिफ लग गया तो आप बिल्कुल ही नहीं बेच पाएंगे. तो चलो जितना धंधा चलाया जा सके विदाउट ट्रबलिंग दी अदर कंट्री और विदाउट मेकिंग अदर कंट्री चेंज इट्स नॉर्म्स एंड स्टफ, उतना काम कर लेते. ठीक है, दिस वॉज अबाउट वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट. जो मेन फोकस है टॉपिक का वो 1, 2 और 3 के ऊपर है. आई एम स्टार्टिंग विथ इम्पोर्ट ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, देखना एक बार, ये है आपका डोमेस्टिक डिमांड, डिमांड कर्व डोमेस्टिक, और ये है आपका डोमेस्टिक सप्लाई, सप्लाई कर्व डोमेस्टिक. देखना एज सच आपका जो मार्केट का प्राइस है, अगेन मैं यहाँ पे नंबर्स डाल देता हूँ, दिस इज नंबर वन, दिस इज नंबर टू. आपका जो मार्केट का प्राइस है वो पी डी आना चाहिए, और जो यहाँ की जो क्वांटिटी है वो क्यू डी आना चाहिए. तो दिस इज पॉइंट नंबर थ्री, दिस इज पॉइंट नंबर फोर. जैसे ही आप वर्ल्ड, जैसे ही आप इंडिया को ओपन अप कर दो फॉर द होल वर्ल्ड, मतलब लोग यहाँ पे जैसे ही इंपोर्ट्स कर सकते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंपोर्ट्स कब सस्टेनेबल होंगे, इंपोर्ट्स कब सस्टेनेबल होंगे, जब अगर डोमेस्टिक प्राइस, अगर डोमेस्टिक प्राइस किसी प्रोडक्ट की 10 रुपए, तो इंपोर्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए मुझे बताना. इंपोर्ट क्या कोई करेगा 15 रुपए में? क्या कोई 15 रुपए में इंपोर्ट करेगा? नहीं करेगा. तो इंपोर्ट प्राइस लाख से 7 रुपए होनी चाहिए. इसका इंपैक्ट क्या होगा देखना एक बार. इसका इंपैक्ट देखना क्या होगा. लेट्स से वर्ल्ड की प्राइस ये है, इंपोर्ट्स लेट्स से हो रहे हैं इस भाव पे, इस भाव पे मुझे बताना इंडियन कंपनीज कितना सप्लाई कर पाएंगी, इतना. यस नो, लेकिन इंडिया में डिमांड कितनी है? अगर इंडिया में सप्लाई हो रही है इतनी, लेकिन डिमांड है इतनी, मतलब डिमांड है इतनी लेकिन सप्लाई सिर्फ इतनी हो रही है, तो बाकी की सप्लाई कहां से आएगी बताओ, ये कहां से आएगी? ये इंपोर्ट्स है, तो यहां पे मुझे बताओ इंपोर्ट कितना होने वाला है. ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 7 इज द इंपोर्ट्स. यस नो सर, तो बहुत कुछ बन गया इसमें, पता नहीं क्या गंद फैला हो गया.
यहां तक कि अगर किसी को ग्राफ में डाउट्स है तो पहले मैं वो आंसर कर देता हूं, देखना एक बार। ये है, अगर आपके कंट्री में इंपोर्ट हो रहे हैं तब की सिचुएशन, ठीक है। अभी यहां पर टैरिफ वेरिफ की बात नहीं की गई है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टैरिफ एज ऑफ नाउ, ठीक है। दिस इज इंपोर्ट सिनेरियो, द टॉपिक दैट आई वाज डिस्कसिंग वाज इंपोर्ट ड्यूटी। इसमें मैं ले रहा हूं केस वन, सिनेरियो विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी मीनिंग टैरिफ। सिनेरियो विदाउट टैरिफ, अब देखना कुछ टर्म्स की बात हो रही है। मैं ये वाले जो डॉट्स थे ना, पीडी और क्यूडी वाले, ये हटा दे रहा हूं। ओहो, ठीक है जी। अब मुझे बताना मुझे ये बताओ कि एट, अगर मैं डिमांड कर्व की बात करूं, अगर मैं डिमांड कर्व की बात कर रहा हूं, ठीक है, मुझे ये बताओ इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, इस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, जीरो। मतलब जैसे जैसे प्राइस गिरती जा रही है डिमांड बढ़ती जा रही है, सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ सर, कह तो सही रहे होते, तो बहुत लॉजिकल है, आप यहाँ ऐसे अलग से क्यों पूछ रहे हो? मुझे एक बात बताओ, इसी तरीके इसी केस को मैं उल्टे तरीके से पूछता हूँ। मुझे ये बताओ कि कोई भी कंज्यूमर इतनी क्वांटिटी लेने के लिए कितनी प्राइसेस देने के विलिंग है, ये प्राइस ये देने के विलिंग है, यस नो, सही बोल रहा हूं या नहीं? फॉर क्वांटिटी एक्स प्राइस पी एक्स दिया जा सकता है, हाँ या ना? ये बात समझ आती है तो लिखो ओके। जो मतलब कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग क्वांटिटी ऑफ क्यू एक्स एट अ प्राइस ऑफ पी एक्स, हाँ बात तो सही है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या कंज्यूमर को क्यू एक्स की क्वांटिटी के लिए पी एक्स देना पड़ रहा है क्या? नहीं, देना कितना पड़ रहा है? पी वर्ल्ड प्राइस ये देना पड़ रहा है, तो उसको एडवांटेज कितने का हो रहा है, उसको एडवांटेज इतना हो रहा है, हाँ या ना? इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर पॉइंट पे आपको प्राइस देना कितना पड़ रहा है वर्सेस आप क्या प्राइस देने के लिए विलिंग हो एज अ कंज्यूमर, वो मैप हो जाएगा। यहां पे आप इतना प्राइस देना चाहते हो, देना ये पड़ रहा है, इतना प्राइस देना चाहते हो, देना ये पड़ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं पूरा का पूरा मैपिंग कर लूं तो ये जो डेल्टा आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये पूरे के पूरे इस बॉक्स में आ रहा है, यस और नो? दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, आगे मूव करते हैं, देखना। अब मुझे बताओ, अब आप सप्लाई साइड ऑफ इक्वेशन देखना। मुझे ये बताओ
कि क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए ऑफ दिस लेवल प्राइस कितना मांग रहा है कोई भी मैन्युफैक्चरर, दिस मच, बट उसे प्राइस मिल कितना रहा है, दिस मच, इसे उसे प्राइस ज्यादा मिल जा रहा है, हाँ या ना? सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। फॉर दिस मच क्वांटिटी, फॉर दिस मच क्वांटिटी दिस इज द प्राइस दैट यू आर डिमांडिंग, बट यू आर गेटिंग दिस प्राइस द हायर वन, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है। ये जो केस है पूरा का पूरा, जो इतना छोटा सा है जो बॉक्स है, ये क्या होगा बताओ? दिस इज द प्रोड्यूसर सरप्लस। और ये जो पोर्शन है ये कहां जा रहा है? दिस इज गोइंग टू द इंपोर्टर्स, दिस इज गोइंग टू दिस इज द इंपोर्ट पीस क्वांटिटी इंपोर्टेड, दिस इज लेट्स से पॉइंट नंबर 10। आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? नोट्स वगैरह एक बार मतलब उस पर थोड़ा सा राइटअप वगैरह लिख लेंगे। अगर अगर इम्पोर्ट्स हो रहे हैं लेकिन देर इज नो इम्पोर्ट ड्यूटी, देन दिस वुड बी द सिनेरियो। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? ठीक है, दिस वॉज द सिनेरियो विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी। अब देखना मैं इसमें इम्पोर्ट ड्यूटी लेके आ जा रहा हूं, इस पूरे के पूरे विद इम्पोर्ट ड्यूटी, विद इम्पोर्ट ड्यूटी विद टैरिफ क्या चेंजेस आएंगे देखना एक बार। अगर गवर्नमेंट टैरिफ चार्ज करना स्टार्ट कर देगी, अगर गवर्नमेंट टैरिफ चार्ज करना स्टार्ट कर देगी तो बताओ वर्ल्ड प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? वर्ल्ड प्राइस राइज या फॉल? राइज के लिए आर लिखो, फॉल के लिए एफ लिखो। आपके लिए राइज हो जाएगा वर्ल्ड प्राइस, बताना ये क्या हो गया। प्राइसेस आ गए यहां, ठीक है 11। प्राइस आफ्टर टैरिफ। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो प्रोड्यूसर सरप्लस का हिस्सा था येलो वाला, जो प्रोड्यूसर सरप्लस का हिस्सा था येलो वाला, ये तो अभी भी प्रोड्यूसर सरप्लस है, लेकिन ये वाला पोर्शन कहाँ चला गया? ये वाला पोर्शन कहाँ चला गया? आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? देखो क्या हुआ, जब प्राइजेस इंक्रीज हो गए तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं देखना, सॉरी कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, जो ऊपर वाला पोर्शन था जो पॉइंट नंबर 8 था, दोबारा देखते हैं रुको, जो पॉइंट नंबर 8 था, जो पूरा का पूरा येलो शेडेड पोर्शन था, कंज्यूमर सरप्लस वॉज येलो शेडेड और प्रोड्यूसर सरप्लस वॉज ब्लू शेडेड पोर्शन। अब मैं कह रहा हूं कंज्यूमर सरप्लस बन कैसे रहा था कि आप एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए प्राइस दे सकते थे ये वाला, लेकिन दे रहे थे ये वाला प्राइस दे रहे थे। अब ये प्रॉब्लम नहीं जा रही है, अब जो प्राइस दे रहे हो वो ज्यादा दे रहे हो, अब जो प्राइस दे रहे हो वो ये वाला प्राइस दे रहे हो, ठीक है ना? तो हो क्या रहा है, जितना प्राइस पहले दे रहे थे अब उससे ज्यादा दे रहे हो, तो आपको जो एडवांटेज मिल रहा था वो कम हो रहा है, तो कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, तो जो बचा हुआ कंज्यूमर सरप्लस है वो कितना हो जाएगा बताओ? द लेफ्ट ओवर कंज्यूमर सरप्लस इज
दिस पार्ट, यस और नो? जो कंज्यूमर सरप्लस था वो लेफ्ट ओवर इतना बच गया, ठीक है। ये वाला पार्ट कहाँ चला गया? ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वो पार्ट है जो पहले कंज्यूमर सरप्लस था, अब प्रोड्यूसर सरप्लस बन गया। ठीक है, ये जो 11, जो 8 था, अब मैं इसी को बोलता हूं 12 नंबर, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस लेफ्ट ओवर। ठीक है, और उसी से पॉइंट नंबर 13 आ गया, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस शिफ्टेड टू प्रोड्यूसर सरप्लस। न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है? 9 प्लस 13। न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू 9 प्लस 13, हाँ या ना? सर एक बात बताओ, इस पोर्शन का क्या हुआ? इस पोर्शन का क्या हुआ? ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन का क्या हुआ? ये कहाँ चला गया? मुझे एक बात बताना, जब प्राइजेस बढ़ गए, जब प्राइजेस बढ़ गए हैं, उस पॉइंट पे क्या होंगी चीजें, देखना। मैं ये सब हटा दे रहा हूं एक बार को। इनफैक्ट मैं यहां पे 9 नंबर तक तो यहीं पर आ गया था, 10 नंबर तक तो यहीं पे आ गया था, तो मैं ना 10 तक की जितनी भी चीजें होंगी वो बिंदास हटा दूंगा। आई विल नॉट बॉदर अबाउट इट अलॉट, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा टैकी हो जा रही है चीजें। अब देखना क्या हो रहा है, ये है प्राइस आफ्टर टेरिफ, ये है प्राइस आफ्टर टेरिफ, ये क्या है? ये है वो क्वांटिटी जो सप्लाई करेंगे इंडिया वाले, और ये है वो क्वांटिटी जो जो डिमांड कर रहे हैं इंडिया वाले। तो दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड बाय इंडियन कंपनी, दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड बाय इंडियन कंपनी। दिस इज क्वांटिटी डिमांडेड इन इंडिया एंड दिस इज क्वांटिटी सप्लाइड बाय इंडियन कंपनी। ये है 15, ये है 16, ठीक है जी। ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है? ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या है? ये इम्पोर्ट्स था, ये इम्पोर्ट्स था, ये वर्ल्ड प्राइस थी आपकी, ये थी प्राइस बिफोर टेरिफ, ये है प्राइस आफ्टर टेरिफ। ये जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या होगा? ये टेरिफ होगा, हाँ या ना? ये टेरिफ होगा, यस और नो? तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये किसको जाएगा? ये जाएगा गवर्नमेंट को, ये जाएगा गवर्नमेंट को। तो दिस पोर्शन गोज टू गवर्नमेंट, एंड दिस पोर्शन जो नीचे वाला है वो एज इज रह गया इंपोर्ट्स वाला। दिस पोर्शन इज इंपोर्ट्स, ये जो पहले भी था। अब अगर आप देख पा रहे हो तो दो चीजें बच गई, ये दो जगहें बच गई। ओहो,
दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ये है डेड वेट लॉस, ये किसी को नहीं मिला। दिस इज द इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। डेड वेट लॉस नंबरिंग वाइज ठीक कर लेते हैं, रुकिए एक मिनट। ठीक है, 13 14 तक के ठीक था, 15 ठीक था, 16 ठीक था, ठीक है, 17 हो गया, ये जो इम्पोर्ट्स थे, 17 इज द इम्पोर्ट्स, एटीन था, इनफैक्ट 17 को इम्पोर्ट्स नहीं कहते, 17 वॉज प्राइस बिफोर टेरिफ, 18 वॉज प्राइस आफ्टर टेरिफ, 19 इज टेरिफ, तो 20 इज द पोर्शन गोइंग टू द गवर्नमेंट, और ये पोर्शन तो एनी विच वेज आपका इम्पोर्ट्स वाला था ही। 21 इज इम्पोर्ट्स। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? इफ येस यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल। एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, देखना फाइनली बोलना क्या चाह रहे हैं। फाइनली बोलना ये चाह रहे हैं कि देखो कंज्यूमर सरप्लस कैसे कितना था, ये येलो वाला पोर्शन था, ये पूरा का पूरा कंज्यूमर को एक्स्ट्रा एडवांटेज आ रहा था इम्पोर्ट होने से। लॉस किसका हो रहा है, अगर आप टैरिफ लगा दे रहे हो तो लॉस किसका हो रहा है, इसका। और ये जो इसे लॉस हो रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किसे लॉस हो रहा है, कुछ हिस्सा किसे मिल जा रहा है, प्रोड्यूसर को, क्योंकि उसका सरप्लस बढ़ जा रहा है, और कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि वो पहले जितनी क्वांटिटी दे रहा था अब उससे ज्यादा दे रहा है। जब इम्पोर्ट्स बहुत सस्ते हो रहे थे तो वो कम क्वांटिटी सप्लाई कर पा रहा था, अब वो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर पा रहा है तो उसे थोड़ा सा एडवांटेज मिल जा रहा है, उस एडवांटेज को आप कह रहे हो प्रोड्यूसर सरप्लस। गवर्नमेंट के भी मजे हैं, पहले क्या हो रहा था, 10 रुपए में सामान इम्पोर्ट हो रहा था, अब 12 रुपए उसकी प्राइस हो गई, तो गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा टैरिफ मिलने लग गया, ये वाला पोर्शन। इम्पोर्टर का हिस्सा कम हो गया, कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया, इंपोर्टर का हिस्सा कम हो गया, पहले इंपोर्टर को ये सारा का सारा मिल रहा था, ये सारा का सारा इंपोर्टर का था, अब क्या हो गया, इतना उठ के चला गया कंज्यूमर, सॉरी इंपोर्टर से गवर्नमेंट के पास, ये गवर्नमेंट के पास चला गया, कंज्यूमर सरप्लस गिर गया, ये चला गया प्रोड्यूसर के पास। ये जो दो राइट ट्राइंगल थे, राइट ट्राइंगल वन एंड राइट ट्राइंगल टू, ये हो गए डेड वेट लॉस। मतलब क्या, ये आई है सिस्टम में इनएफिशिएंसी की, ये सरप्लस है जो किसी के पास भी नहीं गया। ठीक है जी, एक कैंडिडेट पूछ रहे थे मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस बता दो विदाउट टैरिफ, विदाउट टैरिफ का प्रोड्यूसर सरप्लस बता दो। देखो जी क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कंपनी इस क्वांटिटी के लिए क्या प्राइस करना चार्ज करना चाह रही है, द प्राइस दैट दे आर विलिंग टू चार्ज इज दिस प्राइस, बट वॉट आर दे एक्चुअली चार्जिंग, वो तो हायर प्राइस इतना चार्ज कर ले रहे हैं, चार्ज करना था ये रेड लाइन जितना और चार्ज कर रहे हैं ब्लू लाइन जितना, तो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जितना जितना अमाउंट एक्स्ट्रा हो रहा है, दैट पोर्शन इज बीइंग कॉल्ड एज प्रोड्यूसर सरप्लस। हर यूनिट पे एक्स्ट्रा क्या प्राइस चार्ज करने मिल रहा है उसको टोटल कर लिया तो ये वाला एरिया बन जाएगा, दैट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? ठीक है, तो ये था सिनेरियो विदाउट टैरिफ केस टू, मैंने किया सिनेरियो विद टैरिफ विद इंपोर्ट ड्यूटी। अगर सिनेरियो टू माइनस सिनेरियो वन करेंगे तो ये आता है, सिनेरियो टू माइनस सिनेरियो वन करेंगे तो ये आता है, इतने से प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ गए, इतने से कोटा रेंट्स आ गए, और वन और टू को कंबाइन, अगर सॉरी
एक्स और वाई को ऐड कर दो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, डेड वेट लॉस। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड स्टेप। स्टेप वन स्टेप टू हो गया, ये थर्ड स्टेप हो गया। ठीक है, दिस वॉज अबाउट इम्पोर्ट ड्यूटीज। एक बार अब मैं आपको टेरिफ रेंट, सॉरी दिस वॉज अबाउट टेरिफ रेंट। अब मैं आपको एक बार कोटास दिखा दे रहा हूँ, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, लेकिन लॉजिकल स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो एक बार और ग्राफ वगैरह बनाना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट पीस पे चलते हैं। पिछली वीडियोज में टेरिफ्स करके आए थे, अब कोटास देख रहे हैं। ये था वो डायग्राम जिसमें टेरिफ और कोटा का कोई इंपैक्ट नहीं लिया हुआ था, अब उनका इंपैक्ट ले रहा हूं, देखिएगा कोटा का देखना। सिनेरियो विथ कोटास देखिएगा एक बार। एज सच दिस वॉज द पिक्चर। मैं ये सब हटा दे रहा हूं, मैं ये 1 2 3 4 ये पूरे के पूरे रिमूव कर दे रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये फिगर रह जाने दे रहा हूं। देखना एक बार, अब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये था इंपोर्टर्स का, ठीक है। देखना आप क्या कर रहा हूं मैं, कोटास में क्या होगा, इन द केस ऑफ कोटास यू लिमिट द क्वांटिटी दैट कैन बी सप्लाइड बाय द इंपोर्टर्स। एज सच ये क्वांटिटी थी जो इंपोर्टर सप्लाई कर रहे, ठीक है ना, ये दोनों के बीच की क्वांटिटी थी जो इंपोर्टर सप्लाई कर रहे थे। अब आप क्या बोलोगे, ये थी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बाय इंडियन प्रोड्यूसर, ये थी क्वांटिटी ऑफ डिमांड इन इंडिया। ठीक है, अब अगर इंडियन सिस्टम में आप कोटा अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, द क्वांटिटी दैट कैन बी ब्रॉट इन हैज बीन लिमिटेड, द क्वांटिटी दैट कैन बी ब्रॉट इन इज लिमिटेड, मतलब जो क्वांटिटी इंडियन प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो क्वांटिटी इंडियन प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लो इतना कोटा लग जाता है, लेट्स से दिस इज द कोटा, यहां पे कितना हो गया था, 10 तक के हो गया था ना, यहां पे 10 तक के हो गया था ना यहां पे। अब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये पोर्शन, दिस इज द कोटा, अगर ये कोटा अप्लाई हो जाता है तो इसका इंपैक्ट क्या होगा मुझे बताना। द प्राइजेस इंक्रीज, द प्राइजेस इंक्रीज टू दिस लेवल, ये कोटा अप्लाई हो जाता है तो द प्राइजेस वुड इंक्रीज टू दिस लेवल, एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम, अगर प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं तो क्या होता है एंड रिजल्ट, यही वाला एंड रिजल्ट आ जाता है ना जो यहां पे हुआ था, तो ये सेम ग्राफ बन जाएगा। यहां पे सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर अलग हो रहा है, कोटा में पहले क्वांटिटी कम कर दी जा रही है, क्वांटिटी कम करने की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो द वे इट इज हैपनिंग इज दैट 11 नंबर इज द कोटा, इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज हो जा रही है, 12 नंबर इज प्राइस इंक्रीज, और इसके बाद सेम ग्राफ एज अर्लियर बन जा रहा है, देन सेम ग्राफ
एज स्टेप टू। इनफैक्ट स्टेप टू स्टेप थ्री सारा सेम हो जाएगा, हाँ या ना। इस वजह से आप स्टेप थ्री देखेंगे तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है यही टैरिफ रेवेन्यू है, यही कोटा रेंट है। जो डिफरेंस है वो ये है, देखना। इसके बाद जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो जा रहा है तो उसके बाद ग्राफ कैसा बन जा रहा है, ग्राफ बन जा रहा है ऐसा वाला, ग्राफ बन जा रहा है ऐसा वाला। सिर्फ एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दीजिएगा। जब ये न्यू वाला जो ग्राफ बन जा रहा है, इसमें ये जो पर्पल वाला पोर्शन है, ये गवर्नमेंट को नहीं जाके, ये किसको जा रहा है, ये हो गया, ये इसको भी बोल लीजिए कोटा रेंट, इसको भी बोल लीजिए कोटा रेंट। ये कोटा रेंट में क्या एक्सप्लेनेशन है उस पर ध्यान दीजिएगा। जब इंडियन गवर्नमेंट ने क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि इंडिया में इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो सकता, उस पॉइंट पे क्या होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस बांटे होंगे। ये रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाओगे, अगर हर बंदा इंडिया में लेके आ गया प्रोडक्ट तो ये रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाओगे। ऐसा थोड़ी है कि इंडिया में लेट्स से 5 लाख रुपए तक के व्हाट यू कॉल फुटवेयर इंपोर्ट किए जा सकते हैं, तो पहला बंदा जो 2 लाख का लेके आया उसको लाने दिए, फिर जो दूसरा बंदा 3 लाख का लेके आया उसको लाने दिए, फिर अगला बंदा लाख रुपए का माल लेके कस्टम पे खड़ा था उसको बोले नहीं हम नहीं लाने देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। व्हाट वुड हैपन इज दैट कि इसके लाइसेंसेस बांटे होंगे इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो एज सच कोटा रेंट किसको बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू इंपोर्टर। बट अगर आपने लाइसेंस का कोई पैसा दिया है, अगर कोई लाइसेंस का पैसा दिए, बट लाइसेंस कॉस्ट नीड्स टू बी डिडक्टेड, तो मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि जब कोटा लग गया तो कोटा लगने के वजह से प्राइसेस बढ़ गए। पहले ये था सरप्लस, पहले ये पोर्शन मिल रहा था इंपोर्टर को, ये पूरा का पूरा ग्रीन वाला। अब कोटा लगने के बाद यहां वाला पोर्शन चला गया, यहां वाला पोर्शन चला गया, उसको ये वाला पोर्शन एडिशनल मिलने लग गया, ये पर्पल वाला पोर्शन एडिशनल मिलने लग गया, ठीक है ना। ये जो पर्पल पोर्शन एडिशनल मिला है वो इम्पोर्टर को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दैट पोर्शन बिलोंग्स टू द इम्पोर्टर। बट अगर उसने कोई लाइसेंस की कॉस्ट पे की है तो वो आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी। मान लो ये जो एडिशनल पोर्शन है ये 50 रुपए का है, लेकिन लाइसेंस की कॉस्ट दे दी है 5 रुपए, तो 45 रुपए इज वॉट विल बिलोंग टू द इम्पोर्टर और 5 रुपए विल गो टू द गवर्नमेंट, जिस और टोटल जो कोटा रेंट है वो होगा 50 रुपीज का, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो 50 रुपीज का एलोकेशन किस तरीके से होगा ये डिपेंड करेगा कि लाइसेंस के पैसे दिए हैं या नहीं दिए। अगर लाइसेंस गवर्नमेंट ने फ्री का बांटा था तो यहाँ पे निल आ जाएगा, गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। अदरवाइज मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कोटा रेंट विल बिलोंग टू इम्पोर्टर। हु बिलोंग टू इम्पोर्टर प्लस गवर्नमेंट। ठीक है जी, यहां तक के सबको क्लियर है तो लिखो ओके, नहीं तो अपने डाउट पूछे, आई एम हैप्पी टू आंसर। एक कैंडिडेट कह रहे हैं कि कोटा रेंट में इंपोर्टर कैसे लिखे, वो इंपोर्टर लिखेंगे आप या एक्सपोर्टर लिखेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन हु इज डूइंग द ट्रांजेक्शन। वो जा तो बिजनेसमैन को ही रहा है ना, वो जा तो बिजनेसमैन को ही रहा है ना, कोई इंडिया के बाहर से इंडिया में बेच रहा है तो वो एक्सपोर्ट, वो इंडिया के मतलब दैट पर्सन बिकम्स द एक्सपोर्टर, और कोई इंडिया में बैठ के मंगा रहे तो दैट पर्सन बिकम्स द इम्पोर्टर। तो आप इम्पोर्टर बोलेंगे कि एक्सपोर्टर बोलेंगे, आई डोंट नो, बट कुल मिला के मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये बिजनेसमैन को जाएगा।
ये इंपोर्टर के बदले मैं बोल देता हूँ उसे, लेट्स से फॉरेन सप्लायर। सर दोनों में फर्क क्या हुआ? मेरे हिसाब से कोई खास फर्क हुआ नहीं, सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए कर दिया मैंने, नाम नाम के लिए कर दिया। देखना सैमसंग इंडिया के बाहर बैठा है, वो इंडिया में अपना माल लेके आता है, वो एक तरीके से मतलब वो है साउथ कोरिया की कंपनी जो इंडिया में माल भेज रही है, तो ही इज एन एक्सपोर्टर, ही इज अ फॉरेन सप्लायर। और मान लीजिए मैंने मोबाइल फोन की मार्केट स्टडी किया, मुझे लगा मोबाइल फोन में भले कंपटीशन ज्यादा हो लेकिन मैं मोबाइल फोन एसेसरीज लेके आ सकता हूँ, तो मैंने चाइना से अपने नाम से अपने खुद के ब्रांड नेम में एक व्हाट यू कॉल कवर और स्क्रीन गार्ड्स इंपोर्ट करना चालू कर दिया, तो मैं इंपोर्टर हो गया। कुल मिला के मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि जो भी ये फॉरेन ट्रांजेक्शन कर रहा होगा उसको बिलोंग करेगा ये कोटा रेंट। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, द नेक्स्ट टॉपिक दैट आई एम सपोज टू डिस्कस इज कॉल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स। देखना ये पांच कंडीशंस लिखी हुई है, दीज कंडीशंस आर ऑल बैरियर्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द कंट्रीज आर रिमूव्ड। द सेकेंड इज ऑल कंट्रीज एडॉप्ट अ कॉमन सेट ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन विद द नॉन मेंबर्स। द थर्ड वन इज, एक बार रीड आउट कर दे रहा हूँ फिर बात करेंगे एक साथ, ऑल बैरियर्स टू द मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल गुड्स अमंग मेंबर कंट्रीज आर रिमूव्ड। नेक्स्ट वन इज मेंबर कंट्रीज स्टैब्लिश कॉमन इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द यूनियन। एंड द लास्ट वन इज मेंबर कंट्रीज एडॉप्ट अ सिंगल करेंसी। सुनना क्या बात हो रही है यहाँ पे, इट्स लाइक दिस, व्हाट हैपेंस इज दैट कुछ कंट्रीज मिलके आपस में ये ट्रीटीज करती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं कि चलो एक साथ इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स मीनिंग इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते हैं, इन्हें ट्रेडिंग ब्लॉक्स या रीजनल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, ये कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं या इसमें कितनी ज्यादा चीजें डली हुई हैं इस चीज पे डिपेंड करता है कि इसे कौन सा एग्रीमेंट बोला जाएगा। अगर कोई ट्रेड एग्रीमेंट है जहां पे ये बोला गया है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दो कंट्रीज के बीच में बहुत ज्यादा परमिटेड होंगे, दैट्स कॉल्ड एन एफटीए। ठीक है ना, जहां पे सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट इज कॉल्ड एन एफटीए। जहां पे ये फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन मीनिंग ऑल कंट्रीज अडॉप्टिंग अ कॉमन सेट ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन विद नॉन मेंबर्स अडॉप्ट हो रहा है ये होगा, तो दिस इज कॉल्ड अ कस्टम्स यूनियन। ठीक है, अगर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट्स कॉल्ड अ कॉमन मार्केट। अगर 1, 2, 3, 4 ये चार की चार कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट्स कॉल्ड अ इकोनॉमिक यूनियन। एंड अगर पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए दैट्स कॉल्ड अ मॉनेटरी यूनियन। यूनियन ठीक है जी, आपके एंगल से क्या इंपॉर्टेंट है? आपके एंगल से ये इंपॉर्टेंट है कि यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ दिस। आपको एग्जाम में वो ऐसी चीज पूछ सकता है कि इकोनॉमिक यूनियन में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। मॉनेटरी यूनियन एग्जाम्पल, थिंक ऑफ व्हाट यू कॉल यूरोपियन यूनियन, एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन। ठीक है ना, अब देखना क्या बोलना चाह रहे हैं, यूरोपियन यूनियन में क्या के मतलब क्या कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं, या फिर यहाँ की सारी कंट्रीज ने किस बात पे एग्रीमेंट किया है। देखना इन सब की एक सिंगल करेंसी है यूरो। अब एक बार फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे कोई बैरियर्स नहीं है। सेकेंड, कॉमन सेट ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस विथ नॉन मेंबर्स। सुनना, मान लीजिए पूरे के पूरे यूरोपियन यूनियन ने एक साथ डिसाइड किया दैट बॉस बिकॉज ऑफ दिस रशिया यूक्रेन इशू, वी विल नॉट बाय एनी ऑयल फ्रॉम रशिया। ठीक
ठीक है ना, उनके ऊपर इकोनॉमिक सेंशन लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रांस सेंशन लगा देगा और जर्मनी फिर भी उनसे ट्रेड करता रहेगा, पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन इनके ऊपर कॉमन सेंक्शंस लगा देगा। मीनिंग कि अगर यूरोपियन यूनियन ने सेंक्शन लगा दिए तो यूरोपियन यूनियन में आने वाली कोई भी कंट्री नॉन मेंबर रशिया के साथ ट्रेड नहीं करेगी। नेक्स्ट इज ऑल बैरियर्स टू द मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल अमंग मेंबर कंट्रीज आर रिमूव्ड। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री विदाउट वीजा विदाउट दूसरी चीजें मतलब जॉब्स करने के लिए चले जाते हैं। मेंबर कंट्रीज स्टैब्लिश कॉमन इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द यूनियन। बिल्कुल, इनके इंटरेस्ट रेट दिस दैट सारा कुछ एक साथ डिसाइड होता है ना। मैं आपको मॉनेटरी यूनियन के लिए मतलब यूरोपियन यूनियन क्यों बता रहा हूं, मैं बोल रहा हूं दिस इज दी जेनिथ, इससे ज्यादा इंटैक्ट नहीं किया जा सकता। आप समझना क्या डिस्कशन हो रहा है, आप लोग ने टॉपिक पढ़ना है इंटरनेशनल ट्रेड का, उसमें एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात हो रही थी। आपने ये देखा कि फ्रीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना चाहिए, लेकिन कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर क्या लगा दे रही है, मतलब खुद के ऊपर क्या कर दे रही है, दूसरा बंदा एक्सपोर्ट ना कर पाए आपके पास, इस वजह से आप वहां पे लगा दे रहे हो टेरिफ्स। चाइना से कोई माल हमको ना सप्लाई कर दे तो हम उसके ऊपर लगा दे रहे हैं टेरिफ, हम उसके ऊपर लगा दे रहे हैं कोटा, हम अपने एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज दे रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही है, ये सारी की सारी चीजें इन अ वे ठीक है इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए है, एम्प्लॉयमेंट दिस दैट सब कुछ समझ आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इनकी वजह से डेड वेट लॉस क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, ये नेशनल गुड की तरफ चला जा रहा है। ठीक है, ये एडवांटेज वो है जो किसी को भी किसी के भी हाथ में नहीं आ रहा, दिस टुवर्ड्स नेशनल गुड। ठीक है, कुल मिला के बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस, ये जो दूसरी चीजें हमने की हैं, दीज आर रिस्ट्रिक्शंस ना, टैरिफ दिस दैट ये सब कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गए ना, अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए जाएं तो कितना अच्छा हो। तो वो हटाने का क्या लेवल होना चाहिए, मतलब लेट्स से यस वी एग्री टू रिमूव इट, लेवल वन इज कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बैरियर्स हटा दिए, तो इंडिया पाकिस्तान ने बोला हम एक दूसरे को फ्रीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार और बढ़ा, आगे बोल रहे हैं हम एक दूसरे को तो एक्सपोर्ट करते रहेंगे लेकिन हम बाहर लेट्स से अमेरिका से चाइना से बिल्कुल इंपोर्ट्स करेंगे ही नहीं, तो सिमिलर टाइप के ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। तीसरा, इंडिया और पाकिस्तान में कैपिटल और लेबर फ्रीली मूव होती रहेगी, लोग लाहौर से कराची से यहाँ पे आते रहेंगे जॉब करने के लिए। ठीक है, जस्ट हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट इज मेंबर कंट्रीज स्टैब्लिश कॉमन इंस्टीट्यूशंस एंड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द यूनियन। लेट्स से कल इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका भूटान नेपाल ये सब ने मिला के एक इकोनॉमिक यूनियन बना दिया, तो हर देश में अपनी अपनी करेंसी चलती रहेगी, बट ये चारों पॉइंट्स वहां सेटिस्फाई हो जाएंगे कि मतलब एक दूसरे को फ्रीली सप्लाई कर सकते हो, बाहर वालों के ऊपर सेम टाइप के सेंक्शंस हैं, लेबर कैपिटल का फ्री मूवमेंट हो सकता है, और आप एक कॉमन इंस्टीट्यूशन बना दो जहां से इंटरेस्ट रेट्स और दूसरी पॉलिसीज को अच्छे से मैप कर दिया जाए। एंड द जेनिथ ऑफ इट ऑल इज आओ हम सारे के सारे एक हो जाते हैं, एक ही करेंसी यूज आने लग जाए। ठीक है, दिस वॉज अबाउट ट्रेड एग्रीमेंट्स, नथिंग मोर टू एड ऑन दिस वन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।